एडीए की टीम जरौली गांव में बन रही बिल्डिंग को रोकने के लिए पहुंची तो वहां पर एडीए कर्मियों तथा ग्रामीण महिलाओं के बीच में भिड़ंत हो गई। एडीए के अधिकारियों का आरोप है कि ग्रामीणों ने सरकारी काम में बाधा डाली। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि महिला के पेट पर लात मारने से लोग उग्र हुए। सीमा पे किसान के नेता लड़ रहे हैं, आए गए जो हमारे भैया सबसे बड़ी कमजोरी वहाँ पर जो चुने हुए लोग हैं तुम शांति न वहाँ बहुमत पास हो गए तब मेरे कैसे नहीं उनका मैंने करा ये कितने आदमी है वो अधिकारी ने एक महिला को लात मारी जो गंभीर रूप से घायल है उसको जिला अस्पताल ले जाया गया है। 112 नंबर पर हमने कॉल करके तहरीर इसमें यहाँ पुलिस प्रशासन भी था और एडीए की सचिव थी उनके सामने ये घटना हुई है। वो खुद एक महिला है और महिला को घर से निकाल निकाल के मार रहे हैं, गांव में घरों को सीज कर रहे हैं। हम 10 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, हमको जबरदस्ती निकाला जा रहा है। महिला का नाम क्या है? ओमवती। उनके पति का क्या नाम है? उनके पति एक्सपायर है, नहीं खत्म हो गए। उस महिला को लात मारी है पेट में और वो गंभीर रूप से घायल है, उसको खून दिया गया है। मामला क्या था? घर को गांव में जबरदस्ती सीज कर रहे हैं। ये जो मकान बनाया है इसे सील कर रहे हैं। हाँ जी भैया, देखो ये अम्मा, हमने पूछा क्या कर रहे हैं? अम्मा के जैसे लात मारी थी, अम्मा के छोड़ना देखिए, और हमने पूछा क्या कर रहे हैं तो शुरू कर दी महिलाओं के साथ। हाँ तो फादर, वही एक गर्भवती औरत के लात मारी है, वो भी अब कहाँ लग गई है। उनको जिला अस्पताल ले जाया गया है जो कि गंभीर रूप से घायल है। ये पूछ रहे आप कर क्या रहे हैं? और जो सचिव है, जो एडी की सचिव, वो खुद एक महिला है, उनके इशारे पे सब कुछ हुआ है। एक जिम्मेदार अधिकारी है। क्या नाम है सचिव का? महिला है। क्या नाम है भाई एडी सचिव का जो आई है अभी? महिला है, मुझे नाम नहीं पता है क्या है। जिरौली डोर ग्राम जिरौली डोर की जमीन ग्रेटर अलीगढ़ में प्रस्तावित है। प्रस्तावित योजना पर इनके द्वारा शंकर पाल द्वारा निर्माण किया जा रहा था, जिसमें प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी हुआ। इनके द्वारा निर्माण न बंद करते हुए लगातार निर्माण किया जा रहा था, जिसके क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माण को सील करने हेतु आदेश प्रदान किया गया और पुलिस बल प्राप्त करने के लिए दिनांक 16/3 में पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में थाना लोधा से पुलिस बल प्राप्त करते हुए निर्माण को सील करने के लिए गए। उस समय कुशल पाल वहाँ पर उपलब्ध नहीं मिले। इनके द्वारा कुछ अज्ञात व्यक्तियों को बुलाया गया था जो कि उसमें ग्रामीणवासी कम थे, बाहरी व्यक्ति ज़्यादा थे जो कि बहुत उग्र हो रहे थे और निर्माण को सील नहीं करने दे रहे थे। तो मैं वहाँ पर रुका और इसके बाद सचिव महोदय से वार्ता की गई कि पुलिस बल पर्याप्त नहीं है और यहाँ लोग बाग अभद्रता कर रहे हैं, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। सचिव महोदय द्वारा कुछ पुलिस बल प्राप्त की गई, इसके बाद वहाँ स्थल पर प्राधिकरण के अन्य स्टाफ के साथ पहुँची और उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि निर्माण को सील करिए। निर्माण को सील करते समय इन लोगों द्वारा सील किए गए निर्माण की पट्टी को तोड़ दिया गया और अभद्रता की गई, गाली गलौज किया गया,
और ये कहा गया कि क्या यहाँ जो है लाशें बिछानी हैं, क्या सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया? पूरा सरकारी कार्य में सरकारी सील पट्टी को महिलाओं ने खींच करके क्षतिग्रस्त करके पैर से कुचल दिया उन लोगों को। दौड़ा भी गया था क्या? हाँ, हमें हमारे साथ जो है, हम चूँकि वीडियोग्राफी कर रहे थे, बना रहे थे एक एक को जो है, तो हमारे साथ 30-35 लोग जो है हाथ को पकड़ रहे थे, हाथापाई कर रहे थे, उसमें चोटें भी आई हैं और इन लोगों द्वारा गाली भी दिया गया और अभद्रता ज़्यादा की। महिलाओं ने मारपीट, फ़ोन मेरा छीन लिया, महिलाओं ने फ़ोन मेरा छीना है और छीन करके जो हाँ धक्का मुक्की लोगों द्वारा, वहाँ के जो लोग उपस्थित थे ग्रामीणवासी कम थे, वहाँ पर इन लोगों ने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बुला रखा था। क्या मुकदमा दर्ज करा रहे हैं? हाँ, मुकदमा इसमें जो है प्रॉपर अनुमति लेते हुए इसमें मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।